स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के दूसरे महामुकाबले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। और दोस्तों आईसीसी ओडीआई मैन्स वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने काफी बढ़िया तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है मजबूत टीम है उसको पटकनी दी है और पॉइंट्स टेबल में इम्पॉर्टेंट जो दो लड्डू हैं दो पॉइंट्स हैं वो हासिल किए हैं। हालांकि दोस्तों उनका नेट रन रेट अभी थोड़ा सा कम है, बाकी चारों टीमों से कम है, इसीलिए पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 5 पर हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैचेस आगे होते जाएंगे ये स्थिति हमें सुधरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इंडिया के अभी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस बाकी हैं और उसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है 14 अक्टूबर को, जो कि आपको पता होगा कि वो कौन सा मैच है। वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उस मैच के लिए और हम भी यार उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन फिलहाल वीडियो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की, तो यार बात करेंगे सबसे पहले इस मैच की। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मतलब टीम इंडिया का ये दूसरा मुकाबला है और टीम इंडिया का ये मुकाबला जो है वो खेला जाने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। दोनों टीमें बेसिकली वहाँ पहुँच चुकी हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन जो है वो आज होगा, आज टीमें जो है वो प्रैक्टिस करेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू की बात हो ही चुकी है, 2 बजे से ये वाला मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल मुझे एक बहुत ही बड़ी मेजर चिंता का विषय जो बनकर उभरा हुआ है भारतीय टीम के लिए वो है शुभमन गिल का मतलब अपडेट क्या है। तो शुभमन गिल का अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर शुभमन गिल की अपडेट ये है कि उनको मतलब इस मैच में अभी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, मतलब वो अभी पूरी तरह से 100% फिट नहीं है। और ऐसी खबर भी आई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा ना उसी में भारतीय टीम अपना ये एटम बॉम्ब जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो यहाँ पर शुभमन गिल जो है वो इस मुकाबले में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि दोस्तों उतनी बड़ी टीम नहीं है तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और दोस्तों इसी मैच को लेकर एक लाइन मुझे याद आ रही है जो कि मैं बोलना चाहूँगा, और वो लाइन है कि भारत के लिए डगर नहीं होगी आसान जब सामने होंगे राशिद करामाती खान। जी हाँ, इस टीम में 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे बचकर रहना होगा और उनमें से पहला नाम है राशिद खान का। जो दोस्तों राशिद करामाती खान को तो हम सब जानते ही, इनके 10 ओवर जो है वो बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर टीम इंडिया ने इनको विकेट्स दे दी तो यहाँ पर लेने के देने ज़रूर पड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा गेंदबाज है वो है दोस्तों मुजीब। दोस्तों ये दोनों ही काफ़ी धाकड़ गेंदबाज हैं और टीम इंडिया को इनसे बचकर चलना होगा, टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उनको इनसे बचकर चलना होगा। और बाकी अगर आप सब जानते हैं इनका रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है, आईपीएल में इन्होंने कई बार इन दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा इसके अलावा विराट कोहली खेल रहा हूँ इनको आउट किया हुआ है। राशिद खान बेसिकली दोस्तों गुजरात की टीम से खेलते हैं और मुजीब में भी पंजाब से खेलते थे पहले। और यहाँ पर ये दोनों ही जो है वो अच्छी तरह से जो ताकत और कमजोरियाँ हैं भारतीय बल्लेबाजों की वो अच्छे से जानते हैं, तो इनके खिलाफ जो है वो अच्छे से वर्क करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो मैचअप्स होंगे इस मैच में 2 मैचअप्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों विराट कोहली वर्सेस राशिद खान। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, विराट और राशिद खान के बीच में अब तक आमना सामना हुआ है वर्ल्ड कप में 2 बार, जिसमें दोस्तों विराट कोहली ने करीब करीब 49 रन जो है वो बनाए हैं जिसमें आउट जो है वो नहीं कर पाए हैं राशिद खान। तो राशिद के खिलाफ काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 154 के स्ट्राइक रेट से विराट ने बल्लेबाजी करी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा के खिलाफ अगर राशिद खान के रिकॉर्ड की बात की जाए तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो राशिद के खिलाफ अच्छा नहीं है। 7 पारियों में राशिद ने रोहित को 4 दफ़ा आउट किया है और रन्स भी यहां पर 49 मारे हैं। तो ये थोड़ा सा मैचअप था। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिसके लिए आप भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, और दोस्तों वो है नवीन उल हक वर्सेस विराट कोहली। दोस्तों आपने देखा होगा आईपीएल में नवीन उल हक जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते थे और उनके साथ जब मैच था तो विराट की जो आरसीबी टीम है उसमें इन दोनों टीमों के खिलाफ मैच हुआ था आपस में, और उसके बाद विराट और नवीन के बीच में कुछ जहमी देखने को मिली और उसके बाद से ही बवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। जब भी नवीन जो है वो मैदान पर उतरते हैं भले ही वो कोई और मैच हो, इंडिया का मैच नहीं है, किसी भी तरीके का मैच हो, जो क्राउड है वो उनकी मतलब
टांग खींचने से बाज नहीं आती है, वो विराट विराट के नारे लगाकर उनको छिड़ाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों पहली बार ये आमने सामने होंगे वर्ल्ड कप में, और ये बैटल भी दोस्तों देखने वाली होगी, और दोस्तों काफ़ी मज़ा आएगा जब क्राउड बोलेगा विराट विराट, फिर नवीन का जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी मज़ेदार होगा देखना। अब दोस्तों इंडियन टीम जो है वो अपना जो पहला मुकाबला है वो जीत कर आ रही है, वहीं पर अफगानिस्तान की टीम जो है वो पहला मुकाबला हार कर आ रही है। बेसिकली उनका पहला मुकाबला वो हार कर आ रहे हैं, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल पे तो यहाँ पर इंडियन टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसके अलावा बात करें तो प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते, तो प्लेइंग इलेवन में दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में ओपनिंग करने वाले हैं इस मैच में भी रोहित शर्मा के साथ में ईशान किशन, हालांकि शुभमन गिल अगले मैच से फिट हो जाएंगे। इस मैच में ईशान किशन को वापस से मौका मिलने वाला है, और ईशान के पास में मौका होगा अगर वो इस मैच में कुछ अच्छा कारनामा कर देते हैं, कोई 100-150 की पारी खेल देते तो हो सकता है कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी मौका मिल जाए, तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहने वाला है। इसके अलावा रोहित शर्मा जो कि पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, तो उनके ऊपर भी दारोमदार होगा पारी को अच्छे से शुरुआत करने का। इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली, एज यू ऑल नो विराट ने 85 रन की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक इम्पॉर्टेंट मुकाबला इम्पॉर्टेंट दो अंक जो है वो भारतीय टीम को दिलवाए थे, तो इनका खेलना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका भी मतलब रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मैच में वो किस तरह का खेलते हैं। हालांकि दोस्तों 15 रन से विराट जो है वो अपनी सेंचुरी चूक गए, और थोड़ा सा मलाल तो होता ही है यार, क्योंकि बंदा जो है वो 100 शतक के करीब है, तो यार एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ जाता तो यार वो एक गिनती तो कम होती, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो मैचेस होंगे उसमें शतक जो है वो ज़रूर आएंगे ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। दोस्तों श्रेयस अय्यर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत ही लूज शॉट खेलकर आउट हो चुके थे, लेकिन बंदा ये क्लास है, मतलब जब ये खेलते हैं ना तो मतलब ऐसा मारते हैं कि सामने वाले के धागे। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर केएल राहुल, अगेन एक और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्लेयर, और 97 रन की पारी इन्होंने खेली थी और छक्का मारकर मैच जिताया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक की दोस्तों बल्लेबाजी आई नहीं थी, लेकिन ये भी इन्होंने भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में मैच जिताया है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी तब जाकर वो टीम इंडिया जो है वो मैच जीती थी। 7 पर जडेजा खेलेंगे। इसके बाद 8 पर यहाँ पर क्योंकि दिल्ली में मैच है तो यहाँ पर हो सकता है कि अश्विन की जगह पर कोई एक पेसर खिला लिया जाए, शार्दुल को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा कुलदीप खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, और इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे, तो ये प्लेइंग 11 जो है वो हमारी रहने वाली है। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से कौन जीत रहा है ये मुकाबला? हमारे हिसाब से टीम इंडिया मैच जीत रही है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आपके हिसाब से कौन कौन सी टीम जीत रही है मुकाबला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।